व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल। मैं आदित्य मात्रे और यार आज है 15 मई और बज रहे हैं 5:31 हो रहे हैं और आप देख ही सकते हो कितनी हवा शुरू हो गई है। और ये ऑफकोर्स साइक्लोन का व्लॉग है, निसर्ग साइक्लोन 2.0। एंड यार वैसे बहुत सारी हवा ऐसे शुरू हो गई है, कुछ 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अभी। और यार सामने बहुत ही खूबसूरत सन दिख रहा है, तो वो देखो। तो ये गाइस मस्त क्लाउड के बीच में एक सन दिख रहा है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये जो आप दिख रहे हो ये उड़े हुए पत्रे, वो लास्ट वाले निसर्ग साइक्लोन में उड़े थे, इन्होंने अभी तक फिक्स नहीं किए, जान दो। पर ये देखिए यार क्या मस्त हो रहा है। अभी तो मुझे विंडली डॉटकॉम पे कुछ 5G के करीब है साइक्लोन ऐसा दिखा रहा है। जो दो साइक्लोन थे उनका एक साइक्लोन बन चुका है, आपको शायद पता होगा, न्यूज देख रहे होंगे। और यार हवा देखो कितनी है, इनके पत्रे भी बज रहे हैं। हम जाते हैं नीचे और अभी आपको इस व्लॉग में ऐसे थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखेंगे, बिकॉज यार अभी लाइट चली जाएगी, फोन की बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, पावर बैंक है पर वो भी ऐसे ठूस हो जाएगी जल्दी से। सो ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स करके व्लॉग देखो, नीचे डेट आ जाएगी यहाँ पे कि कितना क्या डेट और टाइम हो रहा है। ओके, तो ये क्लिप हम यही तक रखते हैं, चलो बाय। या कालावधी मध्ये रायगड जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर चक्रीवादळ जे असल्याबाबत भारतीय हवामान खात्याने इशारा दिला आहे। सदर कालावधीत वाऱ्याचा वेग जास्त असून मुसळधार पावसाची शक्यता आहे, तरी नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी व सुरक्षित स्थळी थांबावे। धन्यवाद। गाइज इट्स 15 मई और 10:45 हो रहे हैं और यार बाहर विंड और ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। पूरा जो हमारा कोस्ट है उन कोस्ट के जो साइड में जो डिस्ट्रिक्ट है या सिटीज है उन सबकी लाइट चली गई है, हमारे भी पूरे सिटी की लाइट गई है एंड बाहर ड्रिजलिंग हो रही है। पर मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज बाहर बहुत अंधेरा है और लाइटनिंग हो रही है। सो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि कल 5 बजे से हमारे यहाँ जो प्रॉपर वाला स्ट्रॉम है, जो प्रॉपर वो उस स्ट्रॉम में जो विंड आएगी वो शुरू होगी। तो देखते हैं, अभी तो अभी हम सोने जा रहे हैं। और यार वैसे तो किसी के पास लाइट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो इन्वर्टर वगैरह थे वही। अभी मैं भी वैसे एक फ्लैश लाइट की मदद से आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए अभी एक क्लिप में मिलते हैं। गाइज अभी है, आज है 16 मई और 4:41 हो रहे हैं और ये जो विंड है पीछे देख रहे हो उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। और यार कितना मतलब अभी तक आई थिंक जो साइक्लोन है वो पंजी तक पहुंच गया है और अभी वो आगे बढ़ रहा है। हमें येलो अलर्ट है और ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ से 5 बजे से शुरू होगा, मतलब हमारे यहाँ से जाने के लिए। ओके, तो अभी मतलब कुछ ही मिनट रह गए हैं एंड वैसे जो windly.com पे वही भी सेम बता रहा है, पर वही windly.com पे ऐसा बता रहा है कि 1 बजे के करीब हमारे यहाँ से गुजरेगा, मतलब डायरेक्टली अरेबियन सी, मतलब हमारे बाजू में होगा 1 बजे के करीब रात को। इसलिए यार रात को अगर ये सुबह आता ना तो चल जाता, पर रात को क्यों आ रहा है? अगर ये सुबह आता तो चल जाता, पर रात को क्यों आ रहा है? बिकॉज अभी रात को कुछ डिस्ट्रक्शन होगा या कुछ, तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर सुबह आता तो यार पता चल जाता कुछ, अगर हम संभाल पाते तो संभाल लेते, पर यार कुछ मतलब अभी रात को तो कुछ पहले तो दिखेगा नहीं, लाइट नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट नहीं होगी तो कुछ नहीं दिखेगा, बैटरी टॉर्च से जो दिखेगा वही। और वैसे तो ये देखो इस बिल्डिंग की हालत देखो, ये जो बिल्डिंग है ना इसके अभी 2-3 पत्रे तो ऐसे ही निकल गए हैं, वो तो ऑफकोर्सली उड़ जाएंगे, लास्ट साइक्लोन में उड़े थे वो। और वहाँ एक बिल्डिंग है, एक मिनट, और वो देखो वो जो बिल्डिंग है ना उसके भी निकल सकते हैं बिकॉज उन्होंने कुछ मरम्मत नहीं की थी लास्ट साइक्लोन से इन्होंने और उन्होंने।
रात को बहुत ऐसी थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही थी और कल रात को बारिश भी गिरी और वैसे लाइट आ जा रही है, जैसे विंड बढ़ती है लाइट जाती है। एंड ये देखो कितने आवाज कर रहे हैं पत्ते, लास्ट टाइम भी वही। ओ ये देखो ड्रिजल होना भी शुरू हो गया है एकदम हल्का हल्का। और यार सब पंछी विंछी उड़ रहे हैं, वो देखे आप अगर देख सकते हो तो, मतलब वो आनंद ले रहे हैं हवा का। हे गाइस 8 बज रहे हैं करीब, और यार वैसे तो ऐसे साइक्लोन का कुछ अता पता नहीं है, वैसे हवा बहुत चल रही है और यार डार्क है। देखो अभी तक लाइट तो आ जा रही है और अभी ये ड्रिजलिंग होना शुरू हो गया है और वैसे तो हवा तो कंटिन्यूस है। फोन पे जो वेदर का हमारा होता है वो मुझे अभी तक ये बता रहा है, वो देखिए मैं अभी तक 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ऐसा तो बता रहा है। एंड यार देखो मुझे windy.com में से 1 बजे साइक्लोन हमारे नज़दीक से मतलब समुद्र में से पास होने वाला है ऐसा दिखा रहा है। ओके के 38 मिनट हो रहे हैं अभी फिलहाल। और यार बाहर बहुत तेजी से हवा बहनी शुरू हो गई है, कुछ 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। एंड यार अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो है 27 डिग्री सेल्सियस और अभी डायरेक्टली साइड में है साइक्लोन। मतलब यार इस बार वैसे इतना कुछ नुकसान नहीं होने वाला ऐसा तो लग रहा है बिकॉज लास्ट टाइम से हवा कम है। गाइस अभी जो स्पीड है ना विंड की यार, वो जो 8 बजे थी वो 8 बजे की विंड तो कुछ नहीं थी, अभी 10:10 हो रहे हैं। एंड यार बहुत तेज विंड है और उतनी तेज बारिश भी है। जो मैं अभी न्यूज देख रहा था तो वेदर फोरकास्ट बोला 2 बजे तक ये सब मतलब जो साइक्लोन है वो आगे जाएगा और यहाँ इतनी विंड नहीं होगी। यार बहुत मैंने अभी कितने स्पीड कितनी है विंड की ये नहीं चेक की। गाइस जो विंड है वो बहुत अभी तेज हो गई है और जो बारिश है वो भी जैसे आप देख ही सकते हो सब अभी पेड़ भी तो गिर गए हैं, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसे शेड उड़ गई है वो वगैरह, ये तो पिछले साइक्लोन में भी थी, अभी ये तो गिर जाएगी ऐसा लग रहा है। और यार मतलब कुछ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अभी। क्या मतलब इतना तेज है, कागज जैसा फट रहा है, वो कागज होता है ना वैसा फट रहा है वो, देखिए वो भाई साहब आई थिंक नीचे चलते।
वो भाई डर रख रहे, चलो कितना तेज आ रहा है भाई साहब। ये तो अभी वो देखिए शेर, देखिए वो शेर, देखिए ये शेर, देखो कितनी जोर से हिल रही है। वो देखिए क्या दिख रहा है, कितनी तेज विंड है भाई साहब। ये मतलब पूरी शेर हिल रही थी, वो देखिए पूरा पूरा हिल रहा है यार। आवाज डरा रहा है, ये जो पत्रे आपट रहे हैं ना एक दूसरे पे, वो आवाज डरा रहा है बहुत। आई थिंक नीचे जाना पड़ रहा है। वो शेड देखे यार क्या नीचे जा रहे हैं। लेट्स गो डाउन। एक पत्र उड़ चुका है, कहाँ गया पता ही नहीं, कब उड़ा। हम जो ऊपर अभी नीचे है तब भी वहां उड़ गया होगा उस डायरेक्शन में, और अभी बहुत फास्ट है ऐसे। गाइस एक बज के 15 मिनट हो रहे हैं और विंड की जो ये है स्पीड है वो कायम है 60-50 km/h। और यार वैसे बहुत ज़्यादा विंड, अभी बारिश नहीं है, ड्रिजलिंग हो रही है हल्की हल्की पर बारिश नहीं है, विंड है बहुत फास्ट। और यार मेरे को लोगों ने पत्रे बांध रहे हैं और वैसे यार बहुत तेज विंड है। तो गए अभी 3:29 हो गए एंड अभी तक बारिश और हवा शुरू है। हम अंदर आ गए बिकॉज यार अभी सर दुखना शुरू हो गया है बिकॉज वो पत्रों की आवाज। अभी तो उन बिल्डिंगों के भी पत्रे उड़ गए और इनके भी, इन्होंने जो बांध के रखे थे वो है अभी तक। तो अभी मैं तो सो रहा हूँ जरा देर, थोड़ी देर के लिए, बिकॉज windy.com ने ऐसे बता रहे हैं कि 5 बजे तक हमारे यहाँ विंड कम होगी। मुझे अभी स्वामी ने यार बहुत मतलब 30-40 वीडियो सेंड किए, मैंने अभी दूसरे फोन का हॉटस्पॉट लिया तो मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, अलीबाग बीच के वगैरह है तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। अभी तो ऐसा चल रहा है, अभी लाइट कब आया भी पता नहीं, पावर बैंक है पर पावर बैंक में कितनी चलेगी राइट। और वो देखिए कितना शोर है यार, अभी देखता हूँ सोने की ट्राई करता हूँ, नहीं तो पड़ा रहता हूँ। गाइज अभी 6:10 हो रहे हैं और अभी जाके कहाँ ये साइक्लोन शांत हुआ है। और जो 5:30 को यार अपने लास्ट ट्रिप देखी 5:30 की, इतना मतलब इतनी बारिश थी, इतना स्पीड था विंड को, अभी भी थंडरिंग हो रही है पर अभी शांत हो गया है पूरा। जैसा वेदर फोरकास्ट ने बताया था 5 बजे जाएगा, पर यार 5 से 6 हो गया है, एक घंटा तो हो गया, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी वैसे शांत हो गया है और यार ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इनका जरा सा हो गया और इनका, तो वैसे हमारा नहीं हुआ। और यार अभी लाइटनिंग हो गई यार, अब कैमरे में आ जाती है अच्छी लाइटनिंग। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी जहाँ पार्क की है वहाँ देखने क्या हुआ है, और वहाँ से देखते हैं फिर आगे। ओके
पडलं आहे जस्ट मी प्रथम हे केलं तो है गाइज, आज है 20 में और कुछ 6 बज रहे हैं शाम के एंड यार फोन ओके। तो आज है 20 में और शाम के 6 बज रहे हैं और यार वैसे साइक्लोन का ये व्लॉग था, ये यही तक है। मैंने उस दिन ये नहीं किया, कुछ एडिट वगैरह नहीं किया, आज किया डायरेक्टली। कुछ 19 तारीख को लाइट आई शाम को, 19 तारीख को आई शाम को लाइट। यार मतलब इतना कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ जो दूसरे इलाके हैं वहाँ 2-3 दिन लगे लाइट आने में। तो यार ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और हम मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक ये बाल कट जाने चाहिए सब, मैं देखता हूँ। तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।